अंजुमन इस्लाम गर्ल्स बोर्ड की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन और बाल भारती उर्दू बोर्ड की मेंबर, विमेन डेवलपमेंट सेल मुंबई यूनिवर्सिटी की मेंबर। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अंजुमन इस्लाम की स्टूडेंट थी, मैंने वहां से तालीम हासिल की और आज मैं उसी बोर्ड की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हूँ। मुझे वहाँ बच्चों की खिदमत करने का मुझे मौका मिला है। अंजुमन इस्लाम 141 साल पुराना अदारा है, उसके मतलब काम की अब तफसील यहाँ पर बताने के लिए हमें घंटों लगेंगे, तो इसलिए मैं सिर्फ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पर बात करूंगी। फिर मेरी सर्विसेज रायगढ़ में भी मैंने दी है 27 साल रॉयल एजुकेशन सोसाइटी के लिए। I'll come to that point afterwards. तो आज से 75 साल पहले अंजुमन के मुंतजमीन ने यह फैसला किया कि एक लड़कियों का स्कूल भी होना चाहिए। तो आज से 75 साल पहले लड़कियों के स्कूल के बारे में सोचना एक बहुत बड़ी बात है। पिछले दिनों हमने एक मतलब चूंकि ये साल सेफ जी सबसे पहले खुला and I am student of that school, तो अभी ये 75वां साल चल रहा है, प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन। तो हमने हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स को बुलाया मिलने के लिए, गेट टुगेदर। तो उसमें वी वर शॉक्ड टू सी के सैकड़ों के हिसाब से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, बड़े बड़े बैंकों के मैनेजर्स, बहुत स्टूडेंट जमा हुए। तो हमें ये अंदाजा हुआ कि आज से 75 साल पहले सोचा हुआ वो ख्याल कितना खूबसूरत और अच्छा था कि आज कौम को अंजुमन ने इतनी सारी ख्वातीन दी जो मतलब अपने अपने फील्ड में मास्टर्स है, और सिर्फ बंबई में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे वो काम कर रही। उसके बाद हम लोगों ने बैंड्रा में खोला, उसको 73 ईयर्स हो गए। फिर बाद में माहिम और बांद्रा दोनों तरफ वो मतलब प्राइमरी इधर चलता है माहिम में, तो सेकेंडरी के लिए बांद्रा में आते। फिर यारी रोड परसों भी खुला। आपको मैं बता दूं कि एक वक्त था जब साहिबे माल और साहिबे हैसियत की लड़कियां यहाँ पर पढ़ती थी, पर आज ऐसा नहीं, क्योंकि लड़कियों को मतलब बहुत कम है जो अपने बच्चों को आज की तारीख में उर्दू मीडियम स्कूल्स में पढ़ाना चाहते। तो इनमें पढ़ने वाले बच्चे कौन है, ये लड़कियां कौन हैं? इनकी माएं दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, जैसे बॉम्बे सेंट्रल का इलाका मैं लूं या वहां पर सब बहुत मालदार लोग रहते हैं, तो इनके घरों में इनकी माएं बर्तन साफ करती है, कोई टैक्सी वाले का बच्चा है, कोई किसका। इसी तरह से बांद्रा में जो इलाका है वहां पर बकर कसाब लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, वो जमाते जमूरिया ये जो सारा बहरामपाड़ा इधर के जो लड़कियां हैं वो जोगेश्वरी से लेकर वहां तक जो आती है, रिक्शे वाले की बेटियां हैं और वेंडर्स की लड़कियां हैं, फिर गोश्त बेचने वाले की, मुर्गी बेचने वाले की, ऐसे क्योंकि उनसे रोजाना मेरा मतलब ताल्लुक आता है, तो इस तरह से ये लड़कियां। मगर माशाल्लाह उनके हौसले दिखे कि वो कहां से कहां तक पहुंच गई है, क्योंकि वक्त कम है इसलिए मैं बहुत ही कटल करके आप लोग को सारी चीजें बता रही हूँ। आज अंजुमन इस्लाम ने रहमानी 30 वली रहमानी साहब के साथ में जो उन्होंने मोंगीर बिहार में शुरू किया है, वो मतलब आईटी के एंट्रेंस के लिए वो अंजुमन ने हमारे यहाँ वो शुरू किया है। फिलहाल इस साल हम लोगों ने वो मेरे ख्याल से ये दूसरा है जो महाराष्ट्र में अभी स्टार्ट हुआ है, और अब फिलहाल हमने लड़कों के लिए खोला है, बट इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग नेक्स्ट ईयर फॉर द गर्ल्स ऑल्सो, तो उसमें भी वो 30 लड़कियों को हम इस तरह ये काम के लिए ट्रेन करेंगे। फिर हमारे पास एक ग्लोबल पार्टनरशिप में कनेक्टेड क्लासरूम्स का एक प्रोग्राम है जिसमें ब्रिटिश काउंसिल ये इम्प्लीमेंटेड इन आवर सैफ तैयब जी एंड शरीफा कालसिकर स्कूल, ऑब्जेक्टिव्स इन शेयरिंग ऑफ ये जो है ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग हमारी टीचर्स उनके यहाँ जाती है और उनकी टीचर्स हमारे पास आती है और हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं ब्रिटेन में और वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, और वो इतना जबरदस्त रिजल्ट है। या आज तक हमारे 4 ऐसे बैचेस हो चुके हैं। फिर इंटरनेशनल
नेशनल अवार्ड में ब्रिटिश काउंसिल ने हमको बेगम शरीफा कासिकर को पहला अवार्ड मिला है और दूसरा अवार्ड जो है वो अलाना सेकेंडरी स्कूल को मिला है। और इसी तरह से अमेरिकन स्कॉलरशिप जो है वो लैंग्वेज लर्निंग के लिए कि जो नॉन इंग्लिश बोलने वाले जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर अमेरिकन काउंसिल ने जो स्कूल को चूज किया है वो ये है अपना सेंट एज स्कूल है, फिर जान मोहम्मद कासिम स्कूल है और अहमद सेलर है। तो इस तरह से हमारे मतलब शरीफा ये सहदेव जी के 50 लड़कियां हैं और बाकी के दूसरे, तो इस तरह से 200 साल में इन 100 बच्चों को जो है वो इंग्लिश में बिल्कुल वेल वर्ड करा किया जाएगा। एंड वी आर डूइंग दिस, उससे पहले प्रथम वालों ने वही कोर्स हमारे यहाँ किया था एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए जो इंटरनेशनल लेवल पे है अमेरिकन काउंसिल जनरल की तरफ से। और हमारा एक सहारा का भी एक बहुत बड़ा मतलब ये हमारा जो एक प्रोजेक्ट है सहारा का जो ऑर्फनेज को देखते हैं, दो, एक गर्ल्स का है और एक बॉयज का है। बाला ऑर्फनेज यारी रोड पे बहुत बड़ा ऑर्फनेज है जहाँ पर हम लोग लड़कियों की शादियां उनके मतलब जैसे उनको पैगाम आता है तो वो लड़का कहाँ का है उसकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट उसके पूरे खानदान के सबको हिस्ट्री ली जाती है और शादी के लिए पैसे हम लोग जमा करके जहेज और हर चीज उस लड़की को देते हैं और बहुत शान और शौकत से वहां पर शादियां करते हैं। हमारे पास हमारी तीन प्रिंसिपल्स यहां बैठी हुई है जिन्होंने 35 साल सलमा लोखंडवाला ने बैंड्रा को ग्रूम किया, नजमा ने सैफ तैयब जी को ग्रूम किया सामने बैठी हुई है और माही को खदीजा शेख ने। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम के दे वर्क फॉर दिस गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। अब आती हूँ मैं रायगढ़ की इस पर। रायगढ़ 30 साल पहले एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया वाज अनाउंस दैट वे। उस वक्त हालांकि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोंकण का वो डिस्ट्रिक्ट है विच इज वेरी क्लोज टू बॉम्बे, लेकिन उस मामले में न पॉलिटिशियन ने कभी तो पॉलिटिशियन को तो करना ही नहीं क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे हो जाएंगे तो कोई वोट देने वाला नहीं है। और आपको फिरोज साहब आई रियली सैल्यूट यू क्योंकि काम तो बहुत लोग करते हैं, कुर्सी तैयार होती है, ऑर्गेनाइजेशंस तैयार होते हैं, काम सभी करते हैं, लेकिन इस तरह का काम करना है वो सिर्फ आप कर सकते हैं। आई रियली सैल्यूट यू क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो रायगढ़ में हमने भी ऐसा ही कुछ आज से 30 साल पहले जब हम लोग है ना झोपड़पट्टी में 22 बच्चों से यह स्कूल शुरू किया था और बाद में फिर हम लोगों ने होता क्या था जैसे शहनाज ने कहा कि हिजाब का मामला था। अब रायगढ़ जरा कोकण में 4 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें दूसरे 3 डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशनल अवेयरनेस थी पहले से और यहाँ पर जरा ऐसा नहीं था। तो हमने देखा कि वो क्या है, तो चूंकि आई थिंक वुमेन तो मैं हर किसी के किचन तक जा सकती थी तो पता चला कि 7वीं तक पढ़ा देते थे फिर बोलते थे नहीं नहीं वो कोकनी में बोलते आता हम छोर की मोटी साली मतलब बड़ी हो गई अब हम नहीं भेजेंगे, पर हमने ऐसा उनको नहीं करने दिया। हमने क्या किया अपने स्कूल में हिजाब को कंपलसरी कर दिया पूरे स्कूल भर गए पूरे स्कूल। अच्छा हमको देखे देखे जो उर्दू मीडियम स्कूल्स भी थे वो भी गैरअप करने लगे, ये अभी का शुरू हुआ स्कूल है जब ये इतना 3,000-4,000 बच्चे यहाँ हो सकते हैं आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो उन्होंने फिर इसका उनको फिर बढ़ते बढ़ते हमको जरूरत महसूस हुई कि यहाँ पर अब डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए। 4 साल मैंने ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट मंत्रालय में वहाँ की कुर्सी दरवाजे बेंच डेस्क टेबल हर कोई मुझे पैसा नहीं लगा था कि परमिशन नहीं मिलता था गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए। वी आर टॉकिंग ऑन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन आफ्टर 4 इयर्स देन बड़ी मुश्किल वो जो था मिनिस्टर का जो पीए तो बोलता था आई सैल्यूट दिस लेडी तभी भी बुला क्यों आती रात को 10 बजे बोली तो आ जाएगी। आज समाउ आई रियली वर्क वेरी हार्ड और वो डिग्री कॉलेज का परमिशन हम निकाल के लेकर आए और इस तरह से हमने पहला कोकर में लड़कियों का डिग्री कॉलेज एंड माशाल्लाह माशाल्लाह आज हम लोग रायगढ़ में कम से कम 50 लड़कियां हर साल ग्रेजुएट होते अभी वो उतनी ये इस तरह से तो
बहुत मुश्किल होता है ये कुर्सी उर्सी पे बैठ के, बट यू नो प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम आते हैं तो बहुत मुश्किल काम है ये ऐसा करना। बहरहाल फिर आई कम ऑन दिस गुजरात राइट्स एंड बॉम्बे राइट्स की बात करते हैं। जब गुजरात राइट्स हुए तो मैंने सब जगह में गई, मेरी फ्रेंड को कहा कि यार चलो तुम्हारी जरा गाड़ी निकालो क्योंकि मैं तो इतने तुम्हारी जैसे मेरे पास पैसे नहीं, तो मेरी छोटी मोटी गाड़ी पड़ते सड़ते सबको पत्थर मारेंगे तो मेरा नुकसान होगा। तो मैंने बोला चल तेरी तू मर्सिडीज निकाल। तो मैं और वो एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट है उनकी वाइफ को मैंने कहा, और मैंने जाके विजिट किया ये मुसाफिर खाना और कैसर बाग, वहां पर भी वो बहुत सारे लोग आकर रुके हुए थे राइट्स के। तो मैंने देखा कि बड़ा खाना मिल रहा था, उनको सब मजे कर रहे थे, पर वो बच्चे बेचारे छोटे छोटे यू नो अपनी माँ की गोद, कोई इधर खेल रहा है, कोई उधर, कोई कुछ खींच रहा है, कोई किसी को क्या कर रहा है, इस तरह से होता। तो मैंने आकर प्रेसिडेंट से कहा कि चलो हम एक काम करते हैं, इन बच्चों को हम अपने यहाँ लेकर जाते हैं। तो फिर हमने जब हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई हमारे पास हॉस्टल नहीं, कुछ भी नहीं, फिर मुझे याद है अमन कमेटी वालों ने और जाकिर नाइक साहब ने हमको एक बस के जरिए ये 150 बच्चे हमारे यहाँ पहुंचाए थे। फिर अभी हमारा तो घर था, उसमें हमने बॉयज को रखा भी, लड़कियों को कहा तो सामने वाली को मैंने रिक्वेस्ट की, तो उसने कहा कि ठीक है, हम लोग नीचे रहते तो ऊपर ऐसा फ्लोर बना हुआ था, वो लकड़ी का फ्लोर रहता था जिसमें जब पानी गिरेगा तो नीचे आएगा ना, तो हम लोग नीचे सोते थे और बच्चे ऊपर से पेशाब करते थे रात को 2 बजे 3 बजे प्लास्टिक का पैसा दे दूंगी। फिर वो प्लास्टिक लाया, उधर बिछाया, फिर उस पर सोने लगे। तो मतलब उसके बाद फिर जो हंस के मुझे देखता था रास्ते में से चलते हुए, तो किसी से चावल की एक गोली मांग, किसी से प्याज मांग, किसी से तो कोई किधर का मद्रास का था, यूपी का था, किधर, तो इस तरह से चलेंगे। बाद में गुजरात के बच्चों का वक्त, वैसे फिर मैंने अर्थक्वेक आया उधर भी काम किया, सुनामी के लिए भी मैंने काम किया, दैट वो तो चलता रहा, लेकिन जब गुजरात के बच्चे आए ना, वो मेरी जिंदगी का मतलब समझना चाहिए कि सबसे मतलब वो भयानक वक्त था जो मैंने देखा था। मैं 3 महीने बंबई नहीं आई और 130 बच्चे, और वो 130 बच्चे में छोटे छोटे बच्चे, उसमें एक बच्ची ऐसी थी नरगिस दाबदा, उसका मुझे ऐसा लगता था कि ये मर जाएगी, यू नो इतनी मतलब कमजोर और ऐसा हो गई थी। बट अल्लाह का करम है, मैं इन सबको 130 बच्चों को रोजाना अपने घर ले जाती थी, वहां पे मैं बैठती थी, बहुत सारे बम्बई से खिलौने मंगाए थे, चॉकलेट्स मंगाए थे, ये वो, फिर वैसा ही करती थी जो हंसा, अच्छा जरा मक्खन की एक बड़ा सा पैकेट भेज देना तो किसी को बोलती थी, ब्रेड भेज देना किसी को, क्या इस तरह का। और लोगों ने मेरी काफी मदद की, इट्स नॉट दैट कि हर कोई नहीं करता है, बहुत किया, बहुत किया, बल्कि ये 10 साल का सफर लोगों की मदद की वजह से पूरा हो, मेरी मेहनत जरूर है लेकिन लोगों ने भी बहुत मदद की। तो इस तरह वो 10 साल तक वो बच्चे हमारे यहाँ रहे और उनको मतलब उनकी हर चीज, लड़के जो है वो 12वीं पास, किसी का हाथ टूटा हुआ, एक एक बच्चे की ऐसी सी कहानी थी कि एक बच्चा ऐसा था उसका पूरा हाथ उससे जला हुआ था एसिड से, और उसने अपने सामने अपने घर के 11 लोगों को मरते हुए देखा था, वो भी जिंदा आग में जलते हुए देखा था।
एक बच्चा ऐसा था जिसने अपनी माँ का पेट चिरते हुए देखा था और वो बचते बचाते वहां से, और ये कहानियां मतलब दूसरों से मेरे साथ बैठ के वो लोग रोजाना मुझे सुनाते थे, लेकिन मेरा वे ऑफ यू नो उनको जो हैंडल करने का था, अभी बंबई से बहुत सारे साइकेट्रिस्ट गए, बोले इनका क्या होगा, उनके ऊपर ये करना चाहो, तो उसमें एक साइकेट्रिस्ट था, उसने बोला कोई जरूरत नहीं, 3 महीने बाद में आके देखना, ये है ना, ये इनकी अम्मा इनको सबको ठीक कर देगी। मैं उनके साथ गाती थी, मैं उनके साथ रोती थी, मैं उनके साथ हंसती थी, 3 months टोटली आई गेव इट टू देम, एंड माशाल्लाह माशाल्लाह कोई 12वीं पास होके लड़कियां के लिए हमारे पास डिग्री कॉलेज हो तो ग्रेजुएट होके सब निकल गए। आज मेरे लिए क्या तोहफा है मालूम है, कभी सुबह मैं उठती हूँ और मैं व्हाट्सअप देखती हूँ या फेसबुक, तो उस पर लिखा रहता है अम्मी जान दे ऑल कॉल मी, अम्मी जान आप नानी बन गई, क्योंकि किसी को लड़की हो गई तो मैं अब उसकी नानी, और किसी लड़के को लड़की हो गई तो उसकी मैं दादी, तो दैट इज ऑल व्हाट आई गॉट, थैंक यू वेरी मच। एंड आपसे एक गुजारिश है, हमारे स्कूल के टीचर्स के लिए हम जब उनके फाइल के लिए अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो बाबा 5 महीने 6 महीने और साल लगाएंगे, तो हमारे टीचर्स क्या कैसा होगा ना बाबा, हमको तो चाहिए कि नहीं, और यहाँ किसी ने ये कहा कि अपने टीचर्स खुद तैयार करें, तो लेट मी टेल यू अंजुमन में हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 50-75% जो टीचरें पढ़ाती है ना, दे ऑल आर एजुकेटेड फ्रॉम अंजुमन इस्लाम, थैंक यू वेरी मच, एंड आई सल्यूट ऑल ऑफ देम जिन्होंने इस फील्ड में काम किया फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी।